आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जिला मुख्यालय सिवनी के पौश इलाके बारापत्थर के एक क्षेत्र में पुलिस के द्वारा देह व्यापार के अड्डे पर छापामारी की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि शहर में आर्चीपुरम इलाके में ये घटना कारित हो रही थी, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा जो सामग्रियां जब्त की गई उसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। वैसे पुलिस सूत्रों ने, कोतवाली पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी कि यहाँ काफ़ी लंबे समय से अनैतिक काम होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहाँ छापामारी की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दल का गठन किया गया। दल के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें 3 युवक और 1 युवती को पकड़ा गया संदेहास्पद स्थितियों में, कोतवाली पुलिस सूत्रों का ये कहना है। सूत्रों ने ये जानकारी भी दी कि शहर में अन्य जगहों पर भी इस तरीके की घटनाएं होने की जानकारी है, इस तरीके के अनैतिक काम होने की जानकारी है, जिस संबंध में मुखबिरों को सक्रिय किया गया है और मुखबिरों के द्वारा जानकारी संकलित की जा रही है। सूचना संकलन पुलिस का भी इस समय काम करता नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे अखबारों के आई कार्ड और अखबारों की आईडी भी यहाँ आपको दिख रही होगी। पत्रकारिता की आड़ में अगर किसी के द्वारा इस तरीके का गलत काम किया जा रहा है तो ये बहुत निंदनीय है, और इसकी सिर्फ निंदा करने से काम शायद नहीं चलेगा। पत्रकारों के बीच में चल रही चर्चाओं के अनुसार पत्रकार संगठनों को इस बात के लिए प्रशासन से मिलना चाहिए और प्रशासन से ये गुजारिश की जानी चाहिए कि पत्रकारों का चरित्र सत्यापन जरूर किया जाए, ताकि इसमें देसी घी और डालडे को अलग अलग किया जा सके। पत्रकारों की बाढ़ सिवनी में आ चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में पत्रकार कौन है ये तय करना प्रशासन का शायद काम है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो जानकारी दी गई वो हम आपको बताते हैं। नगर पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पत्रकारिता की आड़ में कोई अनैतिक देह व्यापार का काम हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी महिला एवं थाना प्रभारी कोतवाली की एक संयुक्त टीम गठित की गई, और जो स्थान था जो कि आर्चीपुरम है, जिस जगह बताया गया था, वहाँ पर दबिश दी गई। दबिश में वहाँ पर तीन आरोपी मौके पर मिले, जिनके द्वारा एक महिला भी थी, और वो जो एक उसमें से आरोपी था मोहित यादव करके, जो कि पत्रकार है ऐसा कहा जा रहा है। अभी हम उसके बारे में भी डिटेल जुटा रहे हैं पीआरओ से कि किस तरीके से पत्रकारिता हो रही है। तो उसके द्वारा अन्य 2 साथियों के साथ मिल करके एक महिला से देह व्यापार का काम कराया जा रहा था। इसमें कुल 3 आरोपी है और कुल 8 लाख लगभग का मशरूका जो है वो जब्त किया गया है, जिसमें से 48,500 रुपये कैश है, एक कार है, एक बाइक है, CPU माउस कीबोर्ड, और उसके अतिरिक्त जो है वो कुछ सामग्री मिली है जो कि यही देह व्यापार से संबंधित है, और अनैतिक देह व्यापार की सुसंगत धाराओं के तहत उसमें कार्रवाई की गई। ऐसा सुनने में, ऐसा जो पूछताछ है उसमें समझ में आ रहा है कि ये जो है वो लड़की जो थी वो वेस्ट बंगाल की है, और वो इसके लिंक जो है वो महाराष्ट्र से भी हैं, मतलब उसने पहले महाराष्ट्र में भी काम किया है, और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन हम इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना था यहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक का। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो जानकारी दी गई वो हमने आपको बताया। श्रीमती पूजा पांडे नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी जानकारी दी गई, और एक बार फिर जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, इनसे अपेक्षा है कि पत्रकारों का चरित्र सत्यापन
अवश्य कराया जाए और वे जिस भी संस्थान से जुड़े हुए हैं उस संस्थान से इस पूरे मामले की कि वे उस संस्थान में कब से कार्यरत हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा नहीं, इसकी पुष्टि भी कराई जाने की ज़रूरत है। देखिए, आपको 3 प्रेस कार्ड और एक माइक आईडी भी वहाँ पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। इससे पत्रकारिता पेशा बदनाम हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पत्रकार संगठनों को भी इसके लिए आगे आने की ज़रूरत महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।